कोई बंदा वहाँ नहीं था, झूठ बोलते हो सारे। अंदर वार्ड में था ना? किस वार्ड में थे? बाकी लोग कहाँ बुलाओ? किस वार्ड में था डॉक्टर साहब, बताओ मुझे। केड़ी वार्ड में, कौन वार्ड में थे? और दूसरी वार्ड में थे। किस दूसरी में? मैंने सारी वार्ड चेक की सर। सीरीज है मैं कहता हूँ, सीरीज आप कहाँ थे उसको छोड़ो। ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, अर्जेंट मसला ये था, मैं देखना चाहता था कि जो पिछली मीटिंग हुई उसका रिजल्ट आउटकम क्या आया। तो मैं इसमें हमारी सुप्रीम मैडम है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूं इनको कि इन्होंने बड़े अच्छे से जो दो तीन दिनों में जितनी चेंजेस ये कर सकते थे, थोड़ी सी उसमें भी कमी है, लेकिन देखना ये है कि नीयत क्या है। नीयत इनकी काम करने की बड़ी अच्छी है, इन्होंने काफ़ी तब्दीलियां लाई हॉस्पिटल में, और तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। अभी बहुत तब्दीली लानी है यहाँ पे। हमने बहुत सा ऐसा स्टाफ देखा जो यहाँ पे आता ही नहीं, खासकर सफाई का, और ये डिपेंडेंट कर दिया हुआ है जो हमारे डेली वेजर जो लड़के हैं नीड बेसिस पे जो लगे हैं उनके ऊपर, और जो परमानेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जो जिनकी ह्यूज सैलरीज इनको मिल रही, तो वो जो है यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए मैडम जी से किया, और मैंने एक स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया, और मैंने देखा कि उनमें से हाज़र ही नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने बाज़ाब्ता जो रजिस्टर है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है, और सुप्रीडेंट मैडम जी को मैंने उस पर रिक्वेस्ट की है कि जो जो यहाँ पर हाज़िर नहीं है, जो एज़ पर रूल्स बनते हैं कानून के तहत, उनके ऊपर वो उस तरीके से जवाजित हो और वो यहाँ पे मौके पे काम करें। तो काम करने की सबसे बड़ी बात है, काम यहाँ पे जब होगा तभी क्वालिटीज़ है। यहाँ बहुत से ज़रूरत है, हमें अभी रेवेन्यू अपना देखना है, और मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ कम से कम 30-40 नए लोग हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे जो यहाँ पर सफाई के कार्य जो काम है उस पर करेंगे। उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि किस प्रोसेस के तहत वो नए लोग यहाँ पर लगाए जाए, तो उसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा कि अगर ये पोस्ट हमें रेफ़र करनी है सर्व सिलेक्शन बोर्ड में या जहां भी जो है, ये जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई हो, ताकि एक तो लोकल जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले, और हॉस्पिटल जो है उसकी सफाई ज़्यादा रहे। उसके लिए जो है हम कदम उठाने जा रहे हैं, बाकी यहाँ पर काम काफ़ी हद तक उसके लिए जो मीटिंग है, अभी हमने वो मीटिंग जो पिछली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में हमने वो इनिशिएट पहले ही ले लिया है, और मुझे खुशी हुई कि मैंने आज वो देखा कि जो हमारी सुप्रीम मैडम है इनके ऑफिस से लेटर जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को PWD डिपार्टमेंट को चला गया है, और क्योंकि इसमें थोड़ा टेंडर का प्रोसेस होता है, तो वो टेंडरिंग प्रोसेस मुझे लगता है 10 दिन के अंदर अंदर वो हो जाएगा टेंडर प्रोसेसिंग, और ये सारी जो बिल्डिंग है रिपेयर पेंट जो है वहाँ पर वो किया जाएगा, जिससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो है वो सहूलियत मिलेगी। आप देखिए बहुत सी दीवारें देखिए यहाँ पे जो है वो ख़राब हैं, उसके लिए पिछली बार हमने एक डिटेल डिस्कशन की, हमने एक मौका दिया उनको कि आप ड्यूटी पे आइए, लेकिन बहुत से लोग जो है वो नहीं पहुँच सके ड्यूटी। अब इसमें मैडम जो है ये चेक करेंगे क्या वजूहत है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले उसकी बात भी सुनी जाएगी, किसी को हो सकता है कोई बीमार हो, सबके सबको तो नहीं हम कर सकते, कोई बीमार हो या कोई आउट ऑफ स्टेशन हो या किसी के घर में कोई हो, किसी ने छुट्टी ली हो, तो वो मैंने इनको मैडम के ऊपर ही छोड़ा है कि एज़ पर जो गाइडलाइन हमारी बनती है उस गाइडलाइन के तहत ये देखें कि क्या कार्रवाई। एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी में पूछ के मीडिया की आप लोगों की लगाना चाहता है, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके शॉप्स पे बैठे होते हैं, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में बैठे होते हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है, जहाँ कहीं आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कहीं पर वो दुकान पर बैठा है या सामान बेच रहा है, आपसे गुजारिश है उसकी वीडियोग्राफी करके हमें भेजिए, ताकि हम उनके ऊपर सख्त एक्शन करें। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो फिर वो मुलाजमत छोड़ के बिज़नेस करे, वो उसका राइट है, हर इंसान का एक जमहूरी राइट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल के अंदर भी आप तनख्वाह लो और बाहर भी आप करें।
बहुत सी मुझे शिकायत, मेरे टेलीफोन अगर आप देखेंगे, मेरा जो पिछला विजिट यहाँ पे हुआ है, मुझे 25,000 मैसेज आए हैं, लोगों की सजेशंस आई हैं मुझे। तो मैंने बहुत से पढ़े, बहुत से देखे, और भी मैं लोगों से पूछ के लोगों से कहूँगा कि आपकी जो सजेशंस हैं वो मुझे आप मैसेज करके मुझे भेजिए। मैं जल्दी ही एक पूंछ की हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, और उस वेबसाइट को मैं खुद मॉनिटर करूँगा, जिसमें पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की जिस जिस इलाके की जिसकी जो परेशानी होगी, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी मेरे घर आने की, वो उस वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप करेगा, और इंशाल्लाह उसको हम उसके ऊपर पूरा करेंगे, लोगों को उनके घर पे सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ पे आज का जो विजिट है ये इसीलिए था, लेकिन मैं जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि सुब्रीडेंट मैडम ने जो इनिशिएट लिया, देखिए ये भी इंसान है, इन्हें जो इनिशिएट लिया, और मैं समझता हूँ ये इन्होंने बहुत बढ़िया एक इनिशिएट लिया, इन्होंने जो 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 हमने उस दिन डिस्कशन किए सारे पॉइंट्स पे किया, लेकिन कई जगह इनके ऊपर भी कुछ परेशानियाँ या कोई लोकल लोग इनके अपने भी होगी। तो मैंने इनको यही यकीन दिलाया कि जो मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है, ये लोगों को रिलीफ देना चाहती है, ये लोगों को ऐसी फैसिलिटी देनी चाहती है हेल्थ की कि लोगों को परेशानी ना हो, और इसके लिए हम तमाम लोग जो हैं इनके साथ हैं। और मैंने मैडम जी को फिर मैं आज इनको यकीन दिलाता हूँ कि मौजूदा हुकूमत सारी की सारी इनके साथ खड़ी है, ये इनिशिएट है, और इनके इनिशिएट से आप देखेंगे कि पुंछ में तब्दीली आई।